तो इंजीनियर्स, पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था कि कैसे एक वुडन वर्क में, चाहे वो विंडो हो, चाहे वो डोर हो, चाहे किसी भी तरीके का वुडन वर्क हो, उसमें पेंटिंग आइटम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप लोगों की डिमांड ये की गई कि सर ये तो वुडन आइटम का हुआ, स्टील आइटम का कैसे करेंगे। तो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ला लिया है जिसमें हम लोग ये पूरा देखने वाले कि जो स्टील आइटम्स होते हैं हमारे और साथ ही साथ कुछ अलग फेंसिंग आइटम्स होते हैं तो उनका मेजरमेंट कैसे करेंगे एज पर आईएस कोड या एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो ये सारी चीजों को पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर हरीश दावना, कॉर्पोरेट ट्रेनर, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जहां पर कंप्लीटली बात करते हैं हम लोग सिविल इंजीनियर्स के बारे में। तो आज का ये वीडियो होने वाला है उन बिलिंग इंजीनियर्स के लिए जो अपने साइट पर बिल्स बनाते हैं और उसको ये कन्फ्यूजन होता है कि स्टील का बिल वर्क कैसे करे, उसका मेजरमेंट कैसे ले। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में मैंने बताया है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किए। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसका रेफरेंस क्या है। तो रेफरेंस अगेन मैं बता दूं, इसके लिए जो रेफरेंस है हमारा कोड 1200 पार्ट 15, जहां पर पूरा डिटेल में मेजरमेंट के बारे में बताया है। साथ ही साथ आपके CPWD के स्पेसिफिकेशन टेबल नंबर 13.1 में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो आप वहां पर भी जाकर चेक कर सकते हो। पहले तो ये वीडियो देख लो। जैसे कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्लेन शीटेड स्टील डोर और विंडोज की, जो कि स्टील का प्लेन शीटेड होता है जो इस तरीके से दिखता है, पूरी तरीके से प्लेन है, ऐसे अगर डोर और विंडो हमको मिल जाए तो उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो इसके लिए बोलता है मेजर फ्लैट, इसको पूरा का पूरा फ्लैट मेजर कर लेना है, जिसमें इंक्लूडेड रहेगा फ्रेम और उसके एजेस। मतलब कि इसके अगर फ्रेम और जो एजेस है वो पूरा इंक्लूड करके इसको मेजर कर लेना है, इसका एरिया निकाल लेना है लेंथ इनटू हाइट करके। इसमें हो सकता है कई बार आपको यहाँ पर लोहे के कुछ ब्रेसेस या लेजेस आपको देखने को मिले, तो वो भी चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो ऐसी जगह पर क्या करें, ऐसी जगह के लिए जो मल्टीप्लाइंग कोएफिशिएंट है वो है 1.1 फॉर ईच साइड, मतलब इसके आगे के लिए भी और इसके पीछे के लिए भी, दोनों के लिए 1.1 का कोएफिशिएंट आपको यहाँ पर यूज करने के लिए गया आपके आईएस कोड में। तो यहां पर सिंपली लेंथ इनटू हाइट कर देना है, जो भी एरिया आएगा उसे 1.1 से मल्टीप्लाई कर देना, जो आपका मेजर्ड एरिया होगा जिसको आप बिलिंग के लिए क्लेम करोगे। ऐसे ही इसके अपोजिट साइड का भी हो जाएगा। यहां पर आगे चलते हैं और भी कुछ पॉइंट्स की तरफ। आज इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में जहां जॉब पाना मुश्किल है, वहीं सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजीनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेंड के साथ सीखते हैं एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, QS&RA निकालना, BBS निकालना, बिल बनाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके टाइम शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में भी। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अधिक जानकारी भी ले लो। तो सेकंड आता है हमारा फुल्ली ग्लेज्ड और ग्लेज्ड स्टील डोर एंड विंडोज Excluding painting of wire gauge portion, मतलब कि अगर कोई fully glazed door है, कुछ इस तरीके से door है आपका जिसमें fully glazed है, fully glazed मतलब कि पूरा का पूरा कांच लगा हुआ है, ऐसी जगह पर इसमें हो सकता है कि वायर गेजेस मतलब जालीदार कुछ सामने पोर्शन में लगाया जाता है वैसा लगा हो, तो उसका मेजरमेंट नहीं है, उसको अलग से मेजरमेंट करना है। साथ ही साथ इसमें बोल दिया है कि इसको आप कैसे मेजर करोगे, तो इसके मेजरमेंट में बोला है कि मेजर फ्लैट नॉट गर्टेड इंक्लूडिंग फ्रेम एजेस, मतलब कि यहाँ पर जो भी डोर का फ्रेम होगा वो पूरा का पूरा हमको फ्लैट मेजरमेंट करना है, मतलब लेंथ इनटू हाइट इसका डायरेक्टली मेजरमेंट करना है, और जो भी आपका एरिया निकल के आएगा उसे 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना है ईच साइड के लिए, मतलब कि जो भी एरिया निकल के आया एल इनटू एच करने के बाद उसकी इस साइड के लिए भी 0.5 से कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसका एरिया मिल जाएगा, और उसके पीछे वाले साइड के लिए भी सेम यही प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है जिससे कि आप इसे बिल में क्लेम कर पाओ। आगे चलते हैं और भी बहुत सारे डोर्स के बारे में हम लोग जानने वाले, जिसमें है पार्शली पैनल्ड और पार्शली ग्लेज और गेज डोर्स या इंडोर्स भी हो सकता है, जिसमें एक्सक्लूडिंग पेंटिंग ऑफ वायर गेज पोर्शन, मतलब कि इसमें भी यही बोला है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ पोर्शन लगा हुआ है जिसमें जालीदार कुछ लगाया जाता है उसको मेजर नहीं करना है, सिंपली आपको डोर को मेजर करना है। तो किसकी बात करें, कुछ इस तरीके के डोर आप लोग ने देखे होंगे जिसमें कुछ पार्ट पार्ट में क्या लगते हैं पैनल्स लगा दिए जाते हैं, ग्लास के पैनल, और बाकी जगह पूरा स्टील का ये पूरा वर्क रहता है, तो इसका मेजरमेंट कैसे करना है। तो इसे मेजर करने के लिए बोलता है कि मेजर फ्लैट नॉट गर्टेड इंक्लूडिंग
फ्रेम, एजेस एक्सेट्रा, मतलब कि इसमें भी क्या करना है आपको, फ्लैट मेजर करना है, लेंथ और हाइट का डायरेक्टली मेजर करना है, इसमें जो एजेस है और फ्रेम है उसका भी इसमें मेजरमेंट होगा, और इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 0.8, मतलब कि आपने लेंथ इनटू हाइट किए तो इस एरिया को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप एक्चुअल रिक्वायर्ड बिल एरिया मिलेगा जिसको आप बिल में क्लेम करोगे, और सेम उसके अपोजिट साइड के लिए भी, क्योंकि इसने बोल दिया है ईच साइड, मतलब हर साइड के लिए भी, इसके फ्रंट के लिए भी और इसके बैक के लिए भी। तो चलते हैं और भी कुछ आइटम्स के बारे में जानेंगे। तो जिसमें अगला हमारा आइटम है कोरोगेटेड सीटेड स्टील डोर और विंडो, मतलब कि कुछ इस तरीके के आप लोग ने डोर्स अगर आप लोग ने देखे हो जो कोरोगेटेड, मतलब ऐसे क्या बोल सकते हो, वेव की तरह यहाँ पर शीट आपको नजर आती है उसका डोर बना दिया जाता है, तो ऐसे डोर में अगर आपने पेंटिंग किया तो इसका मेजरमेंट कैसे करना है, तो इसके लिए भी बोलते हैं मेजर फ्लैट जिसमें इंक्लूडेड रहेगा आपका फ्रेम और एजेस। ऐसे डोर के लिए भी आपको फ्रेम और एजेस को इंक्लूड करना है, इसको अलग से मेजर नहीं करना है, और इसके लिए जो कोएफिशिएंट दिया जाएगा वो है 1.25 फॉर ईच साइड, मतलब कि सिंपली इसका लेंथ इनटू हाइट कर देना है और उसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर देना है जो आपका कोएफिशिएंट होगा, इससे आपका एक मेजर्ड एरिया मिल जाएगा जो कि आप बिल में क्लेम करोगे, साथ ही इसके अपोजिट साइड के लिए भी सेम प्रोसीजर को हमको फॉलो करना है। और भी चलते हैं, बहुत सारे टाइप्स है हमारे पास। हमारा नेक्स्ट आइटम है कोलैप्सिबल गेट। अब ये क्या होता है, जैसे कुछ इस तरीके से गेट आप लोग ने देखा होगा जिसे आप लोग धक्का मारते थे और वो एक साइड जाकर अपनी एक जगह पर पकड़ लेता था, और इसको इस जगह पर लगाया जाता है जहां पर हमको जगह कम होती है, गेट खोल नहीं सकते, उस वाली जगह पर इसे लगाया जाता है। तो ऐसे अगर गेट्स आपको मिल गए और इसमें आपको पेंटिंग करनी पड़ी तो कैसे इसका मेजरमेंट करेंगे उसको देखते हैं। तो इसे भी सिंपली मेजर फ्लैट करना है, मतलब कि इसका लेंथ और हाइट को मेजर कर लेना है, और साथ ही साथ इसके कोएफिशिएंट फैक्टर जो कि 1.5 है उसे मल्टीप्लाई कर लेना है। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, फॉर पेंटिंग ऑल ओवर, मतलब कि इसका पीछे वाला साइड आपको मेजर नहीं करना है, कि इसका एक साइड जो लेंथ और हाइट है उसको मेजर करोगे, उसे 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल ओवरऑल इस गेट का पेंटिंग मिल जाएगा, इसके लिए अपोजिट साइड करने की जरूरत नहीं है आपको। आगे चलते कुछ नए आइटम्स की तरफ, रोलिंग शटर्स ऑफ इंटरलॉक लैप्स, मतलब किसकी बात करें, कुछ इस तरीके के शटर्स की बात करें जो आप लोगों ने देखे होंगे दुकानों में, जो शटर लगाया जाता है बंद किया जाता है, उन शटर्स की यहाँ पर बात की जाती है। तो यहाँ पर उनको कैसे मेजर करना है, तो यहाँ पर बोलता है कि मेजर फ्लैट साइज ऑफ ओपनिंग, मतलब जो भी ओपनिंग का साइज होगा उसे मेजर करना है, ऑल ओवर जैम गाइडेड बैटन रेल्स एंड लॉकिंग अरेंजमेंट एक्सेट्रा, मतलब कि इसमें सारी चीजें क्या है इंक्लूडेड है, शॉल बी इंक्लूडेड इन द आइटम, और क्या बोलता है, टॉप कवर शॉल बी मेजर्ड सेपरेटली, मतलब कि पहले इसमें जो भी आइटम्स आ रहे हैं आपके ओपनिंग एरिया में, चाहे वो आपका बॉटम रेल हो, जैम गाइडेड हो या लॉकिंग अरेंजमेंट हो, ये सबका मेजरमेंट कर लेना है। लेकिन जो आपका टॉप कवर आ रहा है, जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हो एक टॉप कवर दिया है, इसका सेपरेट मेजर होगा, इसका मेजरमेंट यहां पर नहीं होगा। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, आपको लेंथ इनटू हाइट कर लेनी है जो भी आपका ओपनिंग एरिया है, और उसे मल्टीप्लाई कर देना है 1.1 से। अब ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, कि आप लोग ने देखा होगा कोएफिशिएंट कम ज्यादा हो रहा है, तो इसका करने का रीजन यह है कि यहां पर देख सकते हो आप थोड़ा सा ना इसमें राउंडेड शेप आ रहा है, तो राउंडेड शेप आने की वजह से हल्का अंदर की तरफ भी हमको पेंट करने की जरूरत पड़ती है, जिसमें एक्स्ट्रा पेंट और साथ ही साथ इफिशियंसी लगती है हमारे लेबर की, इसी वजह से हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो जो भी इसका एरिया आएगा उसमें क्या बोला है, फॉर ईच साइड, मतलब कि इसके आगे के लिए भी और इसके पीछे के लिए भी, यहां पर लेंथ इनटू हाइट करोगे, जो भी एरिया आएगा उसको 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहां का एरिया मिल जाएगा जो कि आप बिल में क्लेम करोगे। सेम अपोजिट साइड के लिए भी आपको यही चीज अप्लाई करनी है। आगे चलते हैं और भी नए नए आइटम्स के बारे में जानेंगे। एक्सपांडेड मेटल हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक फॉर अप्रूवर क्वालिटी ग्रिल वर्क एंड ग्रेटिंग इन गार्ड बार्स बैलेस्ट्रेड रेलिंग पोर्शन एंड एमएस बार इन विंडोज फ्रेम। बहुत सारे ऐसे आप लोग टेक्निकल नाम सुनेंगे लेकिन इसका एक ही पैटर्न है जो है ये नाम आपने देखा कि बहुत हार्ड था, इसको समझना बहुत हार्ड था, लेकिन ये इसी टाइप्स के जो पोर्शन आप लगाते हो ना, जो आपके बाउंड्रीज में लगाते हो, है ना, तो ये सारी चीज़ें जो लगती है आपकी, इसी की बात यहाँ पर की जा रही है। यही वो वायर मेश है जिसका उन्होंने बाउंड्री वॉल यहाँ पर बनाया हुआ है, या यूँ कहे तो इसको बाउंड्री मारी हुई है। तो इसका मेजरमेंट कैसे करना है, क्योंकि इसका भी पेंटिंग करना है, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि यार यहाँ पर तो बहुत सारे गैप्स है, यहाँ तो सिर्फ स्टील वायर्स दिख रहे हैं, तो इसका मेजरमेंट कैसे करें। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, क्या बोला यहाँ पर, मेजर फ्लैट ऑल ओवर, नो डिडक्शन शॉल बी मेड फॉर ओपन स्पेसेस, मतलब कि पूरा
पूरा फ्लैट मेजर कर लेना है, लेंथ इनटू हाइट कर लेना है, जो भी ओपन स्पेसेस आपको दिख रहे हैं जालियों के बीच में उसको कोई डिडक्शन नहीं करना है। साथ ही साथ क्या बोल रहा है, सपोर्टिंग मेंबर शॉल नॉट बी मेजर सेपरेटली, मतलब कि यहाँ पर बीच में कुछ सपोर्टिंग मेंबर्स आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं, इनका भी मेजरमेंट आपको सेपरेट नहीं करना है। और इसका जो एरिया निकलेगा, जो भी लेंथ इनटू हाइट निकलेगा, उसे मल्टीप्लाई कर देना 1 से फॉर पेंट ऑल ओवर, मतलब कि इसको आगे और पीछे से मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसका लेंथ इनटू हाइट करके एरिया निकालो और उसको जो भी एरिया आएगा वो 1 से ही कोएफिशिएंट है इसका, तो मतलब जो भी एरिया आएगा उसका आप पैसा क्लेम कर सकते हो। इसको दोनों तरफ क्लेम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंगल साइड का मेजरमेंट आपको लेना पड़ेगा। आगे चलते हैं इसी तरीके से कुछ और आइटम्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि ओपन पैलिसेड फेंसिंग एंड गेट्स इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड्स ब्रेसेस रेल स्टेट्स एक्सेट्रा इन टिम्बर और स्टील, मतलब कि इसमें आप टिम्बर भी आ गया और स्टील भी आ गया। किसकी बात करें, कुछ इस तरीके के गेट्स की, ऐसा गेट्स आप लोग ने देखे होंगे ज्यादातर जो मिलिट्री एरियाज या गार्डन में होते हैं, तो वहां पर इस तरीके के गेट्स आपने लगे हुए देखे होंगे। तो इनका मेजरमेंट कैसे ले, क्योंकि इसके में भी गैप्स आ रहे हैं आपको और छोटे छोटे यहाँ पर स्टील जो बार्स है वो लगे हुए, तो इसका मेजरमेंट कैसे करना है, इसके लिए भी बोलता है मेजर फ्लैट ऑल ओवर, नो डिडक्शन शॉल बी मेड फॉर ओपन स्पेसेस, मतलब कि डायरेक्टली इसको फ्लैटली मेजर करना है लेंथ इनटू हाइट और जो ओपन स्पेस है उसको डिडक्ट नहीं करना है। और क्या बोल रहा है, सपोर्टिंग मेंबर शॉल नॉट बी मेजर सेपरेटली, मतलब कि यहाँ पर कुछ सपोर्टिंग मेंबर्स आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं तो इनका आपको सेपरेट मेजरमेंट नहीं करना है, सिंपली इसका लेंथ इनटू हाइट करना है और इसके लिए जो कोएफिशिएंट है मल्टीप्लाइंग कोएफिशिएंट वो है 1 फॉर पेंट ऑल ओवर, मतलब कि इसके आगे और पीछे दोनों का मेजरमेंट नहीं करना है, कोई भी एक डायमेंशन का मेजरमेंट करो उसका कोएफिशिएंट 1 है तो ऑल ओवर पेंट का मेजरमेंट आपको निकल के आ जाएगा, जिसका आप बिल में क्लेम कर पाओगे। चलते हैं और कुछ नए आइटम्स के बारे में और जानेंगे, कोरूगेटेड आयरन सीटिंग इन रूफ्स साइट क्लाइडिंग एक्सेट्रा, मतलब कि जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो कि रूफ्स में कुछ लगे होते हैं करुगेटेड आयरन शीट, ये जो शीट्स आप लोग देख पा रहे हो ये आयरन शीट है ना, कुछ अलग मटेरियल का भी आता है उसका भी मेजरमेंट इसके बाद आने वाला है। तो ये जो आयरन शीट्स होते हैं आप जो अपने रूफ में या भी वॉल में लगाते हो तो उनका मेजरमेंट कैसे करना है, तो इसके लिए भी बोलता है कि मेजर फ्लैट ऑल ओवर, मतलब कि इसको सिंपली फ्लैट मेजरमेंट करना है, नहीं तो आप देख पा रहे हो थोड़ा सा ऊपर नीचे प्रोजेक्शन यहाँ पर दिख रहे हैं आपके, तो उसका सेपरेट मेजरमेंट नहीं करना है, सिंपली इसका जो मेजरमेंट है वो फ्लैट मेजरमेंट और इसका एरिया निकलेगा और इसको इसके मल्टीप्लाइंग कोएफिशिएंट 1.14 फॉर ईच साइड, मतलब कि अगर इसको ऊपर से भी पेंट कर रहे हो और नीचे से भी पेंट कर रहे हो तो आपको दो बार अलग अलग मेजरमेंट करना है और जो भी एरिया आएगा उसे 1.14 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि आपका बिल में क्लेम करने वाला एरिया रहेगा। और भी चलते और भी नए नए शीट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि एसी कोरूगेटेड सीटिंग इन रूफ्स स्लाइड क्लाइडिंग एक्सेट्रा, मतलब कि कुछ इस टाइप के जो एस्बेस्टोस शीट आप लोग देखते हो ना उसकी बात यहाँ पर हो रही है। अगर इन टाइप के आपके शीट्स आपके रूफ में या आपके वॉल क्लाइडिंग में लगे हुए हैं तो इसको मेजर कैसे करना है, इसके लिए भी बोलते हैं मेजर फ्लैट ओवर, मतलब कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वेव्स टाइप बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको, तो वेव्स का अलग से मेजरमेंट नहीं करना है आप लोगों को, सिंपली फ्लैट मेजरमेंट करना है। अगर इसके सपोर्टिंग हो गए तो उसको अलग से मेजरमेंट नहीं करना है, उसका भी आइटम इसी में साथ आ जाएगा और जो भी इसका एरिया आप निकालोगे उसे 1.2 से मल्टीप्लाई कर देना फॉर ईच साइड, मतलब अगर इसके इस साइड में मेजरमेंट करना है तो लेंथ इनटू हाइट करना, आपको जो भी एरिया आएगा उसको मल्टीप्लाइंग कोएफिशिएंट 1.2 से मल्टीप्लाई कर देना और साथ ही अगर इसके बैक में भी करना है तो सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना होगा। ये सारी चीजें हैं जिससे कि हम लोग इजीली अपना बिल क्लेम कर सकते हैं और इससे हमको कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहता कि यार इन आइटम्स के बिल हम लोग कैसे बनाए, क्योंकि ये फ्लैट चीजें नहीं है, जो भी फ्लैट होता है उसका मेजरमेंट करना बहुत ही इजी होता है, लेकिन जब ऐसे इररेगुलर शेप्स आ जाते हैं तो इसको मेजर करना बहुत हार्ड होता है और हमारे मन में कंफ्यूजन भी आता है कि यार इनका मेजरमेंट कैसे करें, तो यही आईएस कोड है जिसकी हेल्प से आप ये सारी चीजें कर सकते हो। चलते हैं और कुछ आइटम्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हमारा आ गया एसी सेमी कोरूगेटेड सीटिंग इन रूफ साइड क्लाइडिंग एक्सेट्रा और नैनीताल पैटर्न यूजिंग प्लेन शीट्स। अब ये कौन से शीट्स की बात करें, कुछ इस तरीके की शीट्स, तो इन टाइप के स्ट्रक्चर को आप लोग ने देखा होगा जहां पर हमारे पीबी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो वियर हाउस बनते हैं वहां पर कुछ इस तरीके की सीटिंग्स लगी होती है, जहां फैक्ट्रीज बड़े बड़े बनते हैं तो इस तरीके की सीटिंग्स वहां पर लगी होती है, तो इसका मेजरमेंट कैसे करें, क्योंकि यहां पर हमको पेंटिंग करना है, तो इसके लिए भी क्या बोलता है कि मेजर फ्लैट ओवरऑल, मतलब कि इसको भी फ्लैट मेजरमेंट करना है, लेंथ इनटू हाइट कर देना है या जो भी डायमेंशन दिख रहा है उसका एरिया निकाल देना है, इसके लिए कोई डिडक्शन नहीं करना है अगर इसमें ओपनिंग आ रहा है तो, और इसमें कुछ सपोर्टिंग्स आ रहे हैं जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो एंगल लगा हुआ है, यहां पर भी एंगल लगा हुआ है, तो इसका सेपरेट मेजर नहीं करना है, इसको भी उसके लेंथ इनटू हाइट में ले लेना है और डायरेक्टली यहां पर मेजरमेंट जो भी आपका एरिया आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देना 1.1 से, जो कि आपका कोएफिशिएंट रहेगा फॉर ईच साइड, मतलब कि इसके बाहर के लिए भी और इसके अपोजिट साइड के लिए भी सेम कोएफिशिएंट रहेगा, आपको एरिया निकालना है और उसका मल्टीप्लाई कर देना है इस 1.1 से, तो आपका एक बिलिंग के लिए जो एरिया
आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन सी चीजें हैं हमारी। अब क्या बोलता है, वायर गेज शटर्स इंक्लूडिंग पेंटिंग ऑफ वायर गेज, मतलब कि कुछ इस तरीके के शीट्स आपको नजर आते हैं, जैसे कि आप गार्डन्स में देखा होगा या कभी हम लोग कुछ गेट बना देते इसी जाली के हिसाब से थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करके। तो अब इसमें अगर हमने पेंटिंग किया तो इसका मेजरमेंट कैसे होगा, तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या बोलता है, मेजर फ्लैट ओवरऑल, मतलब कि इसे भी हम लोगों को ओवरऑल मेजरमेंट कर लेना है और इसके जो सपोर्टिंग है उसको भी इंक्लूड कर लेना है क्योंकि उसका सेपरेट मेजरमेंट नहीं होगा। और जो भी एरिया आएगा उसे 1 से मल्टीप्लाई कर देना है फॉर ईच साइड, मतलब कि इसका लेंथ इंटू हाइट करूंगा, वही सेम उसके अपोजिट साइड के लिए भी होगा, लेंथ इंटू हाइट, और उसका जो कोएफिशिएंट रहेगा मेरा 1 रहेगा, तो मुझे कुछ अलग एरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम एरिया आ जाएगा मेरा बिल के लिए। अब आगे चलते हैं और देखते हैं सबसे लास्ट पॉइंट जो कि है हेड कट बाम्बू फेंसिंग, मतलब कि कुछ इस तरीके की फेंसिंग आप लोग ने देखे होंगे जब गार्डन्स में आप घूमने जाते हो तो वहाँ पर आप लोग ने देखा होगा कि इस टाइप के फेंसिंग लगे होते हैं, या अगर आपने फार्म हाउस में गए होंगे और आपने ट्री हाउस देखा होगा तो उस टाइप हम लोग इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट्स लगाते हैं बाम्बूस का, या ये समझ लो कि वुडन्स का। तो अब इनका मेजरमेंट हमको कैसे करना है, इसके लिए बोलता है कि मेजर फ्लैट ओवरऑल, मतलब कि इसको भी हमको फ्लैट मेजरमेंट कर लेना है, लेंथ इनटू हाइट कर लेना है, और जो भी सपोर्टिंग्स होंगे उनका भी सेपरेट मेजरमेंट नहीं करना है, वो भी में इंक्लूडेड रहेगा, और जो भी आपका आएगा उसको 1.38 कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब कि इसके एक एरिया के लिए सिंपली इसका एरिया निकालेंगे 1.38 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसके अगर अपोजिट में भी हम लोग पेंटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहां पर क्लॉज बोला है कि फॉर ईच साइड, मतलब इस साइड के लिए भी और इसके अपोजिट साइड के लिए भी हमको सेम एरिया को मल्टीप्लाई करना है 1.38 से, जिससे कि हम लोग बिल को क्लेम कर सके। तो इंजीनियर्स आज की इस वीडियो में बस यहीं तक के था कि इसका मेजरमेंट हमको कैसे करना है। और जाते जाते एक चीज और मेजरमेंट बता दूं कि कई बार क्या होता है ना, एकदम सेपरेट हमारे एंगल्स या कुछ अलग चीजें लगी होती है जिसमें हमको पेंटिंग करना होता है, तो अब उनका पेंट का मेजरमेंट कैसे करें, तो उसके लिए क्या करना है, अगर उसकी विड्थ 10 सेंटीमीटर से कम है, मतलब 100 mm से कम है, तो उसका रनिंग मीटर में मेजरमेंट होगा, मतलब सिंपली उसको रनिंग मीटर में कैलकुलेट कर लेंगे। अगर वो 100 mm से ज्यादा है तो उसके लिए हम लोग स्क्वायर मीटर का जो अप्लाई करेंगे हमारा कोएफिशिएंट रहेगा उसके लिए 1। ऐसे ही अगर आप किसी सर्कुलर के लिए कर रहे हो तो आपको सिंपली उसका सर्कमफेरेंस निकाल लेना है, जिसको हम लोग गर्थ बोलते हैं, और उसकी जो गर्थ है वो अगर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उसे सरफेस एरिया में कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब उसका स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट होगा। अगर उसकी गर्थ 10 सेंटीमीटर से कम है, मतलब 100 mm से कम है, तो उसका भी मेजरमेंट रनिंग मीटर में होता है। तो इंजीनियर्स आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही था कि इतने सारे पॉइंट्स आपने देखे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी और चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या एक बिलिंग इंजीनियर को ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती है। तो इंजीनियर्स आज के लिए बस इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ।